हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक पे। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबा के हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मिलता है कोई भी अपडेट सबसे पहले। दोस्तों, यदि आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि यूपी पुलिस की जो कि बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस 6000 नई बम्पर भर्ती, सिपाही और उपनिरीक्षक की मेल फीमेल दोनों ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों, उम्र में भारी छूट, जब अब सबको मिलेगा मौका, सीएम योगी का आदेश है कि अब सबको मिलेगा मौका। मेल फीमेल 6000 नई भर्ती है, बम्पर पुलिस की भी है और दरोगा की भी भर्ती है इसमें, तो उसी का हम नोटिफिकेशन देखने जा रहे हैं कि कहां से अपडेट आ रही है। देखिए, यहां पे लखनऊ से बड़ी अपडेट आ रही है, यूपी पुलिस में 6000 नए पदों पर भर्तियाँ होंगी। डीजीपी का ऐलान, 19 राजपत्रित अधिकारी, 209 पद इंस्पेक्टर और 573 पद सब इंस्पेक्टर के लिए हैं। देखिए, यहाँ पे लखनऊ से जो बड़ी अपडेट आ रही है उसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से अधिक आधुनिक करने के साथ ही 5673 नए पदों पर भर्ती की जाएंगी। इनमें 19 राजपत्रित अधिकारी होंगे, 209 पद इंस्पेक्टर और 573 पद सब इंस्पेक्टर के लिए होंगे। इसके साथ 5091 पदों पर सिपाहियों की भर्ती की जाएगी। इन भर्तियों की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। डीजीपी ओपी सिंह ने बुधवार को इस बारे में बताया कि उन्होंने यह कहा कि 3 महिला बटालियन लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में खोलने के लिए शासन का प्रस्ताव दिया गया है। डीजीपी ने कहा कि बीते साल में 3195 सब इंस्पेक्टर और 75568 सिपाहियों की भर्ती की गई है। इसके अलावा अभी तक लापरवाह और अनुशासनहीन 364 पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है। इनमें 11 इंस्पेक्टर और 57 सब इंस्पेक्टर शामिल है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए बाकायदा कमेटी बनाकर स्क्रीनिंग की जा रही है। डीजीपी ओपीसी ने कहा कि आईपीएस और पीपीएस अफसरों की भी स्क्रीनिंग की जा रही है। अगर इनमें भी कोई अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाह या अनुशासनहीन पाया जाए तो उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। डीजीपी ने कहा कि बताया कि अप्रैल 2017 से अब तक 46000 पुलिस कर्मियों की पदोन्नति की जा चुकी है। इनमें से 2562 इंस्पेक्टर और 35000 सिपाहियों का प्रमोशन शामिल है। दोस्तों, आप लोग का जल्द ही ये 6000 की भर्ती ऑनलाइन होने वाली है कि इसका डेट भी 1-2 दिन के अंदर में आने वाला है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर अप्लाई करेंगे। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए, पुलिस की भी है, इसमें दरोगा की भी है, दोनों हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलता है गवर्नमेंट जॉब की पल पल की अपडेट। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा के जुड़ जाएँ हमारे साथ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।